Dear students, in this lecture, now we will going to discuss about wet electrochemical or galvanic theory. कैसे corrosion होता है? अगर wet environment होगा, तो किसी भी metal का या किसी भी alloy का क्षरण और corrosion कैसे होता है? वो हमें wet theory और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी इसे हम कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को. तो इसलिए इस थ्योरी का नाम है वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक थ्योरी. अब देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. वेट लिक्विड इज नेसेसरी, वेट है इसलिए लिक्विड की जरूरत है कोरोजन के लिए. देन आप देखेंगे कि प्योर मेटल चाहिए. जो प्योर मेटल होगा वो हमेशा एनोड की तरह काम करने वाला है. अगर हम वेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्योर मेटल होगा जहां पर, वहां पर वो एनोड की तरह काम करेगा. एनोड मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी. इससे पहले हमने पढ़ा है अबाउट कैथोड एंड एनोड्स. तो वहां पर आप देखिए कि एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ये याद रखना. एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो यहां देखिए M जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? M आयंस में. ये हमेशा एनोड पर होगा. और कैथोड पर क्या होगा? या तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा. दैट विल डिपेंड अपॉन अगेन द टाइप ऑफ वेट कोरोजन. अब जो वेट कोरोजन है उसके लिए लिक्विड की जरूरत है, क्योंकि वो वेट कोरोजन है. वेट कोरोजन में लिक्विड की जरूरत है. हमेशा एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. कैथोड पर दो प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस होगी, या तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा. तो इसी बेसिस पर इसको दो फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है. वो कौन कौन सी फॉर्म्स है? एक तो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो एक तो ये मेथड रखा गया है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, तो उस वो मेथड अलग होगा. और दूसरे में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वो मेथड अलग होगा. तो जो इसमें पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में, वो होगा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन मेथड, एक ये मेथड हमने अलग कर दिया क्योंकि यहां पर कैथोड पर क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. और दूसरे मेथड में क्या होगी? ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी कैथोड पर. तो ये कैथोड की रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि कैथोड पर क्या हो रहा है. अगर कैथोड पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है. अगर कैथोड पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है. तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या जरूरत है? ये होती है जनरली इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम. दो चीजें मेन इसमें जरूरत है. एक तो है इम्प्योरिटी और दूसरा है, दूसरे की किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है एसिड की. तो अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल से बताया है कि ये एक पाइप है. मान लीजिए ये पाइप जो है दूसरे पाइप से जुड़ा हुआ है. देखिए ये एक दूसरा पाइप है, तो यानी हम मान सकते हैं कि ये आयरन का पाइप है और ये कॉपर का पाइप है. तो ये जो है इसमें हम मान सकते हैं जो जंक्शन होगा इनका, जंक्शन, उस जंक्शन पे हम मान सकते हैं कि यहां पर इम्प्योरिटी है. आयरन, ये आयरन है, इस आयरन पर किसकी इम्प्योरिटी है? ये इम्प्योरिटी है किसकी? ये जो मेटल है इसकी, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है. तो यहां पर इम्प्योरिटी, हम आयरन को इम्प्योर कह सकते हैं, या हम कॉपर को भी इम्प्योर कह सकते हैं. हम कह सकते हैं ये कॉपर है और यहां पर आयरन की इम्प्योरिटी है, यहां पर आयरन है, यहां पर कॉपर की इम्प्योरिटी है. तो अभी हम आयरन को लेके चल रहे हैं क्योंकि कोरोजन जनरली आयरन में होता है. इसलिए आयरन पर हम मान रहे हैं कि जंक्शन पर क्या है? कॉपर की इम्प्योरिटी. ये जो जंक्शन है जहां पर इम्प्योरिटी है वो पोर्शन क्या कहलाता है? कैथोड. जहां पर इम्प्योरिटी है वहां पर क्या कहलाता है? कैथोड. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्योर मेटल होगा वहां पर हमेशा क्या होगा? एनोड. तो जंक्शन, यहां पर इम्प्योरिटी है इसलिए यहां पर क्या होगा? कैथोड. ये जो बाकी बचा हुआ पूरा आयरन है, बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया देखिए, ये लार्ज एरिया है, ये क्या है? एनोड. ये छोटा पोर्शन है जहां पर जंक्शन है,
तो जंक्शन पर स्मॉल पोर्शन है, ये क्या है कैथोड, तो ये इम्प्योर आयरन माना जाएगा, इम्प्योर आयरन। प्योर आयरन में होगा ऑक्सीडेशन, ये होगा एनोड। इम्प्योर आयरन कैसे एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। तो अब जब कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, ये करेगा एनोड की तरह काम, तो क्या होगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। आयरन किस में कन्वर्ट होगा, आयरन आयन में, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये लार्ज एरिया में होगी क्योंकि ये क्या है प्योर मेटल है, ऑक्सीडेशन होगा, दो चीजें बनेंगी, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक आयरन आयन। ये जो फेरस आयन से है, ये फेरस मतलब आयरन, देखिए जो आयरन था वो बदल गया, वो बदल गया किस में बदल गया, Fe2+ में बदल गया, मतलब इसका कोरोजन हो गया, इसका कोरोजन हो गया, जो इसकी ओरिजिनल स्टेट थी वो आयरन थी और ये किस में कन्वर्ट हो गया है आयन में, तो इसका मतलब है इसका क्षरण हो गया। और ये कहां चला गया, आयरन आयन जो है वो यहां से जाते रहेंगे। अब बचे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहां अट्रैक्ट होंगे, ये क्या है यहां जो इम्प्योर पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं इस एरिया में, क्यों, क्योंकि ये कैथोड है। कैथोड का काम क्या है, कैथोड जो है वहां पर क्या रिएक्शन होती है, वहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती है किसकी रिएक्शन होती है, वहां पर रिएक्शन होती है रिडक्शन की। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस पोर्शन में, अगर इस पोर्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो कौन अट्रैक्ट होगा यहां, ये एसिड, देखिए इस पाइप के अंदर से एसिड बह रहा था और ये जो इस एसिड के जो H+ आयन से हैं दे विल मूव एट कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, वैसे भी कैथोड नेगेटिव है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये नेगेटिव हो गया तो इसकी ओर कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन्स। अब दो चीजें आ गई, देखिए पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने H2, दिस इज नॉट H2O नहीं है, ये क्या है H2, ये H2 है, तो क्या बन गया H2 गैस। तो ये जो H2 गैस है ये कहां पर इवॉल्व हो रही है, कैथोड पर, ये जो जंक्शन है यहां पर कौन इवॉल्व हो रहा है H2, कैसे हुआ, जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए कहां से, एनोड से, एनोड इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करता है और वो जो लॉस्ड इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन को कहां चले गए, कैथोड पर, कैथोड ने उनको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किस, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पॉजिटिव आयन है वो भी कैथोड की ओर अट्रैक्ट हुए, उन दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बनाया H2, तो H2 गैस ऐसे इवॉल्व हो गई, देखिए यहां से निकल गई बाहर। तो टोटल अगर हम देखें तो क्या हुआ है, कैथोड पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हुआ और कोरोजन किसका हुआ, कोरोजन हुआ आयरन का, कहां पर, एनोड पर, तो एनोड पर क्या हुआ इसका कोरोजन हुआ, ये आयरन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आयरन आयन में बदल गया, ये तो पहले कुछ और था, आयरन था, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया Fe2+ में, ये तो सोल्यूबल फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये आयरन में, आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया, अगर इसको बाहर क्या मिल जाए H2O मिल जाए तो फिर ये जो हाइड्रोक्साइड्स बना देगा, तो ये इस तरीके से क्या होगा एनोड का क्षरण होगा। इसमें आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है कैथोड पर, तो दो प्रोसेस हो रही हैं, एक प्रोसेस तो हो रही है एनोड बड़ा है, प्योर है क्योंकि वो, इसलिए वो बड़ा है, प्योर पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है एनोड पर, इसलिए ये क्या है एनोड, बड़ा एरिया कौन है एनोड, छोटा एरिया क्या है कैथोड, और वहां पर क्या होगा हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया है और यहां लगातार करंट बह रही है, देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां जा रहे हैं कैथोड में, कैथोड पर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहां से एनोड से कैथोड की ओर को इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो कैथोड से एनोड की ओर क्या बहेगी करंट, तो इसलिए क्या है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और कोरोजन का जो मेथड है वो क्या है, थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन रिएक्शन, हम उस पर बेस्ड बनाएंगे। और दूसरा हम एक और आपको बात बताते हैं कि ये जो आयरन पर एनोड बना है वो क्यों बना है, अगेन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएं तो आप ये देखेंगे कि जो आयरन है वो
आयरन हाइड्रोजन से केमिकल सीरीज में ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो आयरन आप देख लीजिएगा फर्दर बुक में, देख सकते हैं, यू कैन सी इन द बुक। तो वहां पर हम देखेंगे जो आयरन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -0.44 वोल्ट, और यहां पर कितना है, जीरो है, जीरो वोल्ट है। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन कहां होगा, हाइड्रोजन पर, और ऑक्सीडेशन कहां होगा, आयरन पर। इसलिए यह हमेशा एनोड की तरह एक्ट करेगा और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। तो हमेशा कहां पर होगा जो क्षरण है, जो कोरोजन है, वो कहां होगा, एनोड पर। अब हम अगर आप देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इमर्ज्ड कोरोजन भी कहते हैं, इमर्ज्ड कोरोजन। मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि एक मेटल है, इस मेटल में कुछ इम्प्यूरिटी है और यहां अगर एसिडिक मीडियम में इसको रख दिया जाए तो ये जो है, ये जो बड़ा एरिया है, ये तो एक्ट करेगा एनोड की तरह, और ये जो छोटा सा जो इम्प्यूरिटी है जहां पर, वो रिएक्ट करेगा, ये कैसे करेगा, कैथोड की तरह। और ये क्या है, H प्लस आयन, तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। और यहां पर इस मेटल का क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, कोरोजन। तो हम इस कोरोजन को इमर्ज्ड कोरोजन भी कह सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है। ये मैं आपको फिर से रिएक्शंस दिखा रही हूं, देखिए जब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये दो रिएक्शंस होंगी, एक तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और एक जो है जो H प्लस आयन से है वो हाइड्रोजन इवोल्यूशन होगा एट कैथोड। अब इस मेथड में हमें कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है, इसमें हमें कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, वो मैंने देखे लिखे हैं। ये पॉइंट है, एक तो एनोड कैसा होता है, बड़ा, यहां पर एनोड कैसा होता है, बड़ा, क्योंकि इम्प्यूरिटी की वजह से जो इम्प्यूरिटी वाला एरिया है वो होगा कैथोड, तो कैथोड होगा छोटा और एनोड होगा बड़ा। और यहां पर एनोड क्या होगा, कोरोड होगा, हमेशा इस थ्योरी में आप देखेंगे एनोड क्या होगा, उसका कोरोजन होगा। और यहां पर क्या होंगे, टू डिसिमिलर मैटर्स इमर्ज पार्शियली इन एन एसिड सॉल्यूशन, तो दो डिसिमिलर मेटल होने जरूरी हैं, इम्प्यूरिटी होनी जरूरी है, तब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल होगा। तो दो डिसिमिलर मेटल, जैसे हमने अभी आयरन दिखाया और कॉपर दिखाया, और एक सॉल्यूशन, ये तीन चीजें चाहिए तब जाके उसमें इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक और पॉइंट जो आपको याद करना है वो है हाइड्रोजन इवॉल्व एट कैथोड, हाइड्रोजन कहां इवॉल्व होगा, कैथोड पर, कहां होगा, कैथोड पर। और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। और यहां पर आप देखेंगे मेटल स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कभी कभी, इस तरीके के जो कोरोजन है, जैसे दो पीसेस मेटल के जुड़े हुए हों उस जॉइंट पर यह कोरोजन हो सकता है, कभी हम बेंट अगर मेटल देखें तो वहां पर यह हो सकता है, या जहां पर वेल्डिंग की हो, मतलब दो तरीके के मेटल होने जरूरी है तो तब इस तरीके का कोरोजन होगा। और मेटल जो है वो किसमें डिजोल्व होगा, एसिड, इसके लिए एसिड की जरूरत है इस तरीके के कोरोजन के लिए जहां पर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन थ्योरी है ये वेट थ्योरी के अंदर आई जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखिए नेक्स्ट थ्योरी क्या है, इसी वेट थ्योरी की नेक्स्ट थ्योरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहां पर होगा, कैथोड पर, तो कैथोड पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। अब देखिए सिचुएशन एकदम डिफरेंट होगी, यहां पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होगा बट सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट। यू विल सी दैट ये जो है एक मेटल है, जिसे हमने आयरन लिया, देखिए ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये एक मेटल है। अब ये मेटल पहले से ही एक्सपोज्ड है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बन गई है, जो ब्राउन कलर की है ये क्या है, मेटल ऑक्साइड लेयर, यानी आयरन ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है इसके ऊपर। अब ये आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है ये कैसे बनी थी, ये बनी थी बाई ड्राई मेथड, ये ड्राई मेथड के थ्रू जब आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई थी, प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये सेफ था, वैसे इसमें कोरोजन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो है एक किसी तरीके से होल हो गया, यहां पर क्या हो गया, एक क्रैक जनरेट हो गया। तो अगर एक क्रैक जनरेट होगा यहां पर, ये जो रेड है, तो यहां पर इसका मतलब प्योर आयरन दिखाई देगी। देखिए ये वाले एरिया में तो आयरन ढक गई है, यहां से यहां तक आयरन के ऊपर क्या है, ऑक्साइड, यहां से यहां तक आयरन के ऊपर क्या है, ऑक्साइड की लेयर है।
तो इसलिए ये आयरन यहां पर नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इस जगह पर जहां पर छेद हो गया, होल हो गया, क्रैकिंग हो गई, उस जगह पर मेटल जो है वो प्योर मेटल है। तो जहां पर भी प्योर मेटल होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। तो यहां पर क्या है, प्योर मेटल, इसलिए ये क्या होगा, एनोड। बाकी जगह का जो मेटल है वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ऑक्साइड की लेयर है। इसलिए यहां पर एनोड कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है, कैथोड। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जो एनोड होगा वो क्या होगा, हमेशा प्योर वाला पोर्शन। ये कैसा पोर्शन है, प्योर पोर्शन। तो अब देखिए ये एनोड, अब ये क्या है, वाटर ड्रॉप। अब इसमें पानी गिर गया, पानी कहां पर गिरा, इस जगह पर जहां पर प्योर मेटल दिखाई दे रहा था। अब इसमें ऐसा क्रैकिंग कहीं पर भी हो सकती है, मेटल तो लंबा होगा तो हो सकता है यहां पर भी क्रैकिंग हो रही हो, यहां पर भी, तो जगह जगह उसमें क्रैकिंग हो रही है या होल है। तो उस जगह पर अगर पानी की एक ड्रॉप गिरेगी तो देखिए तीन चीजें यहां पर, एक तो यहां पर आयरन है प्योर, दूसरा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, और तीसरे यहां पर क्या अटैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी है एनवायरमेंट में। तो ये है तो वेट मेथड, क्योंकि यहां पर पानी आ गया है। इससे पहले जो आपने मेथड पढ़ा था वहां पर पानी नहीं था, वहां पर क्या था, एसिड था। तो वहां पर एसिड था, यहां पर पानी है, दोनों ही वेट है, दोनों ही लिक्विड है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो एरिया है वो प्योर आयरन है, प्योर आयरन का मतलब एनोड। ये छोटी सी जगह है, इतनी सी जगह है, तो ये छोटा एरिया है, यानी एनोड छोटा है, और कैथोड कैसा है, बड़ा है। जबकि आपने इससे पहले देखा जहां पर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था वहां पे एनोड बड़ा था और कैथोड क्या था, छोटा था। यहां पर बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। अब देखिए ये एनोड पर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एनोड है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन कहां जाएगा, आयरन तो जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो चला जाएगा पानी के साथ, बाहर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये आयरन, देखिए आयरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस आयंस में। ये फेरस आयंस कहां मूव करेंगे, ये वाटर ड्रॉप की ओर, और यहां जब ये मूव करेंगे तो दे विल रिएक्ट विद वाटर। किससे रिएक्ट करेंगे, पानी से, पानी से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड और अदर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स, और दूसरे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट जैसे ऑक्साइड्स जो कि रस्ट कहा जाता है वो बनाएंगे। तो एनोड पर क्या हो रही है रिएक्शन, एक्चुअली एनोड पर हो रहा है आयरन, आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और आयरन 2+ जो है वो पानी से रिएक्ट कर जा रहा है, और इस जगह पर क्या होगी, धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पर, क्योंकि क्या बन रहा है, फेरस हाइड्रोक्साइड एंड इट्स ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। अब यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, लार्ज एरिया क्या है, कैथोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि ये कैथोड, अब यहां से क्या निकले, देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कैथोड की ओर को, क्योंकि कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये कैथोड, और ये कैथोड यहां पर जो जंक्शन है, एक्चुअली ये पानी और यहां पर ऑक्सीजन भी है और यहां पर आयरन भी है। तो इस जंक्शन में क्या होगा, ये H2O, O2 एंड ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो क्या बना देगा, ऑक्साइड आयंस। तो ये हो गई टोटल रिएक्शन। सो फर्स्ट हाफ इज एनोडिक हाफ एंड सेकेंड हाफ इज कैथोडिक हाफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैथोड बड़ा है, एनोड छोटा है। जहां पर भी प्योर मेटल होगा वहां पर एनोड होगा हमेशा। कहां पर होगा जो रस्टिंग है, जो कोरोजन है, वो कहां पर होगा, एनोड पर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब क्या रिएक्शन होगी। देखिए दो चीजें आपने देखी, एक तो आयरन, आयरन आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले रहा है, कैथोड। कैथोड पर कौन अटैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं, अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड। तो आप रिएक्शंस देख सकते हैं फर्दर, इस तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसी रिएक्शन होगी। ये क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ वेट कोरोजन। तो यहां पर आयरन एनोड पर क्या कर रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है एनोड पर, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं एनोड से, उनको एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। और ये जो आयरन है ये इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। देन फर्दर ऑक्सीडेशन विल रिजल्ट इन द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, हायर हाइड्रोक्साइड्स, FeOH का होल थ्राइस, जिसको रस्ट कहते हैं, जो ऑक्साइड्स बनते हैं, Fe2O3 भी बनेगा, तो ये फॉर्मेशन होगा।
तो इसमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें रिमेम्बर करने चाहिए, अगर हम फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे, उसी से हमारा डिफरेंस बन जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या अंतर है, उसको हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स देख लें जो रिमेम्बर करने हैं हमें इस मेथड को जानने के लिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स इससे निकल के आ रहे हैं, देखिए एक तो है कि एनोड स्मॉल होता है यहां पर और कैथोड क्या होता है, बड़ा। ये कौन सा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा आप देखेंगे एनोड कोरोड होगा, वो तो दोनों जगह एनोड कोरोड होगा। अब यहां पर क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी, यहां पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड होगी कहां पर, कैथोड पर। ये डिफरेंस भी आप नोट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे अगेन बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, उसको हम कोरोजन सेल भी कह सकते हैं। तो वो यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन में भी फॉर्म हो रहा है और वो किसमें फॉर्म होता है, वो दूसरे वाले मेथड में भी फॉर्म होता है जिसमें हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। फिर आप देखिए जो मेटल आयन है वो किससे रिएक्ट कर जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन से, और हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रस आयरन ऑक्साइड्स, यानी रस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसा मेथड है, वेट मेथड है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये एक वेट मेथड है जिसमें पानी की ड्रॉप की जरूरत थी, जहां पर पिट था या यहां पर जो कुछ दरार थी वहां पर पानी अटैक करता है और क्या बनाता है, वहां पर फिर धीरे धीरे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू फिर क्या होता है, कोरोजन होगा। कोरोजन होगा कहां पर, एनोड पर, हमेशा कोरोजन कहां पर होगा, एनोड पर। तो मैंने आपसे कहा था कि तीन थ्योरीज हैं, तो जो पहली थ्योरी थी वो थ्योरी हमने डिस्कस की जो कि ड्राई थ्योरी थी, उसको हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, और इस लेक्चर में हमने जो दूसरा थ्योरी डिस्कस किया वो थी वेट थ्योरी, और जो तीसरी थ्योरी है इसकी वो कौन सी है, एसिड थ्योरी। अब एसिड थ्योरी जो है उसके लिए, यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है किसकी जरूरत है, एसिड की। तो एसिड की जरूरत है, इसका मतलब कोरोजन कैसे होगा, कोरोजन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में। अब देखिए क्या क्या एसिड जो एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, CO2 होती है, O2 होती है, मॉइस्चर होता है। अभी जो CO2 है ये अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कार्बोनेट्स क्या है, कार्बोनिक एसिड है, वो क्या H2CO3 बना देगा। H2CO3 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो इस वजह से कोरोजन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ऑक्सीजन है, तो उनके रिएक्शन से क्या होता है, आयरन का कोरोजन या किसी मेटल का कोरोजन होता है अगर एसिड की प्रेजेंस में, तो वो एसिड थ्योरी बताती है। तो इसमें क्या है, देखिए आयरन है, अभी आपने देखा एटमॉस्फेयर में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जब ये सब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले सोल्युबल आयरन का बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और ये बाइकार्बोनेट फिर किससे रिएक्ट करता है, फिर रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ, रिएक्शन के बाद ये क्या बना देता, बेसिक फेरिक कार्बोनेट, एंड आफ्टर रिएक्शन विद द मॉइस्चर अगेन दिस फेरिक कार्बोनेट इट रिएक्ट्स विद वाटर और ये क्या बना देगा, इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स। तो यहां पर सिंपल क्या हुई है, सिंपल रिएक्शन हुई है, जो एटमोस्फेयर में क्या है प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर हम तीनों थ्योरीज में डिफरेंस देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ड्राई थ्योरी देखें तो ड्राई थ्योरी में पानी की जरूरत नहीं है या लिक्विड की जरूरत नहीं है, केवल वहां पर क्या है, केवल वहां पर है मेटल और गैस और लिक्विड मेटल, समटाइम्स लिक्विड मेटल हो सकता है, मेटल हो सकता है। फिर अगर एसिड थ्योरी देखें तो यहां पर गैस तो है ऑक्सीजन, उसके साथ साथ पानी भी चाहिए, लेकिन कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगा इन दोनों में। और अगर हम तीसरा मेथड देखें वेट थ्योरी, लेकिन वेट थ्योरी में क्या जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, या तो वाटर होगा या फिर एसिड होगा, तो वो वहां पर वेट की जरूरत है। और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों थ्योरियां बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है कोरोजन की, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरोजन।